जय श्री कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह माला जी, कुंडल और पायल बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन, वाइट और इस तरह डायमंड का उपयोग किया है माला जी बनाने में। तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं हम। इसके मैचिंग के मैंने यहाँ ऐसे कुंडल बनाए हैं और इस तरह पायल बनाया है। तो चलो हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माला जी बनाने के लिए मैंने इस तरह ऑफ वाइट और गोल्डन मोती लिए हैं, दोनों जीरो साइज के हैं। और मैंने इस तरह रेड डायमंड लिए हैं ऐसे। अगर आपके पास ऐसे डायमंड ना हो तो आप वो जो स्टोन आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो चलो माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इस तरह एक गोल पर्ल लेना है। मैंने यहाँ पे ये 3 mm का लिया है ताकि हमारी गांठ ना निकले। तो इस तरह हमें इसे गांठ लगा कर धागा कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ मोती भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें पहले एक गोल्डन, एक वाइट, एक गोल्डन वाइट और गोल्डन, फिर दो गोल्डन दो वाइट एक गोल्डन और दो वाइट फिर एक गोल्डन, इस तरह हमें 11 मोती लेने हैं और फिर हमें 6 गोल्डन मोती लेने हैं। तो इस तरह हमें गोल्डन नहीं बल्कि व्हाइट मोती 6 लेने हैं और ये 6 मोती छोड़ के हमें ये जो हमारा गोल्डन मोती है इसमें से नीडल लेनी है इस तरह ऐसे। तो इस तरह हमें ऐसे सर्कल की तरह बनाना है, ऐसे राउंड सर्कल में। ऐसे अब हमें दो वाइट एक गोल्डन और दो वाइट लेना है। दो वाइट गोल्डन और दो वाइट और हमें ये पहला वाला गोल्डन छोड़ के ये दूसरे वाले गोल्डन मोती में से नीडल ऐसे। फिर हमें एक वाइट एक गोल्डन और एक वाइट इस तरह, और जो पहला वाला गोल्डन मोती है इसमें से नीडल। इसे तो अब हमें दो गोल्डन और एक वाइट लेना है और ये पहला वाला है जो गोल्डन मोती उसमें से नीडल इस तरह। अब यहाँ पे एक वाइट मोती है तो एक वाइट मोती एक गोल्डन और दो वाइट मोती इस तरह, एक वाइट एक गोल्डन और दो वाइट और फिर इस गोल्डन में से नीडल। हर बार हमें गोल्डन मोती में से ही नीडल लेनी है। ऐसे अब दो वाइट एक गोल्डन
और 6 वाइट। तो इस तरह 2 वाइट 1 गोल्डन और 6 वाइट। तो हमारा ये 2 वाइट 1 गोल्डन और ये 6 वाइट आ जाएगा। और फिर हमें ऐसे ही राउंड सर्कल बनाना है, 6 मोती छोड़ के गोल्डन मोती में से नीडल। इस तरह और फिर 5 मोती 2 वाइट गोल्डन और 2 वाइट। इस तरह और ये गोल्डन वाले मोती में से नीडल। फिर एक वाइट गोल्डन और वाइट। और इस गोल्डन में से नीडल। हमें ये जो 2 गोल्डन लिए थे उसमें से ये बीच वाला गोल्डन में से नीडल। तो इसी तरह हमें सारी माला जी कंप्लीट करनी है। आपको जितनी बड़ी बनानी है उस तरह। अब हमें 2 गोल्डन 1 वाइट लेना है। और ये बीच का गोल्डन में से नीडल। फिर 1 वाइट 1 गोल्डन और 2 वाइट। आगे जैसे लिया वैसे। और यहाँ से नीडल। अब यहाँ 2 वाइट 1 गोल्डन और 6 वाइट। 2 गोल्डन 2 वाइट गोल्डन और 6 वाइट। तो इसी तरह हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं गोल्डन में से नीडल। तो अब 2 वाइट गोल्डन और 2 वाइट। फिर 1 गोल्डन वाइट और गोल्डन। तो इसी तरह हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने लास्ट तक माला जी कंप्लीट कर ली है। मैंने यहाँ 13 तक लिया है। आप जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पे ये आगे जैसे लिया वैसे ये गोल्डन मोती लेंगे और ये गोल्डन मोती में से नीडल लेंगे। और यहाँ से वापस हम उसी गोल्डन मोती में से लेंगे। अब हमें जो ये ऊपर वाला एक एक गोल्डन मोती था उस सारे गोल्डन मोती में से नीडल लेनी है ताकि ऊपर हमारा राउंड सर्कल कंप्लीट आ जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगा माला जी में। इस तरह ऊपर वाले सारे गोल्डन मोती में से नीडल लेनी है हमें। और हल्का सा हमें टाइट करना है ताकि हमारा माला जी का राउंड सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह इसे यहाँ लास्ट तक हम लेंगे इसे। तो ये हमारा अच्छी तरह सर्कल हो गया है। और अब हम यहाँ गांठ लगा कर धागा कट कर लेंगे
ये माला जी हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए कंप्लीट आ जाएगी। अगर आपको बड़ी चाहे तो आप बड़ी बनाना। इस तरह अब हम गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो अब हमें जो ये हमारा राउंड सर्कल था उसमें डायमंड लगाना है। तो इस तरह हमें ग्लू लगाना है, इसके बीच में इस तरह, और इसे डायमंड लगा देंगे हम। तो हमें इस तरह सारे सर्कल में ग्लू लगाकर डायमंड लगाना है। इससे हमारी माला जी का लुक और भी बढ़ जाएगा। तो हम इस तरह सारे जगह डायमंड लगा लेते हैं। तो इस तरह मैंने सभी जगह डायमंड लगा दिए हैं। अब हम इसके मैचिंग के कुंडल बनाएंगे। तो कुंडल बनाने के लिए इस तरह हमें पहले 6 मोती वाइट लेने हैं और फिर गांठ लगानी है। गांठ लगाकर हमें धागा कट कर देना है। इस तरह हमारा सर्कल बन जाएगा। तो हमने गांठ लगाकर धागा कट कर लिया है। अब हमें एक गोल्डन मोती लेना है और ये पहले वाले मोती में से नीडल, फिर गोल्डन मोती और ये दूसरे मोती में से नीडल। इस तरह हमें हर बार एक गोल्डन मोती लेकर बीच वाले मोती में से नीडल लेनी है, वाइट आगे के मोती में से। अब हमें एक गोल्डन मोती में से नीडल, अब हमें एक गोल्डन, एक वाइट और एक गोल्डन मोती लेना है इस तरह, और ये सामने के गोल्डन मोती में से नीडल ऐसे, फिर एक गोल्डन, एक वाइट और गोल्डन। इस तरह हर बार हमें गोल्डन मोती में से ही नीडल लेनी है। फिर एक गोल्डन, वाइट गोल्डन और गोल्डन मोती में से नीडल। तो इस तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा कुंडल बन के रेडी हो गया है। अब हम बीच में आगे की तरह डायमंड लगा लेंगे। ऐसे तो अब हम दूसरा कुंडल भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दोनों कुंडल बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह मैंने इनके मैचिंग की पायल भी बनाई ही है। ये कैसे बनाते हैं इनका वीडियो आगे मैंने दिखाया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा माला जी का पूरा सेट बन के रेडी हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कॉमेंट करके बताएगा, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।